फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया किचन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत ही क्विक, इजी, हेल्दी, टेस्टी रेसिपी है, जो है वेजिटेबल सूप, जिसे हम घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मार्केट के जो पैक्ड सूप होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो घर पर सूप बनाया जाता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिए कैसे हम घर पर टेस्टी, यमी, ये हेल्दी वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास। बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है और उसमें डाल दिया है गार्लिक जो फाइनली चॉप किया था, और इसे हल्का सा सौते करेंगे। इसके साथ अगर आप चाहें तो फाइनली चॉप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। ये हल्का सोते हो गया है। अब इसके साथ एक फाइनली चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे। आप प्लेन ऑनियन की जगह आप स्प्रिंग ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दीजिए। अब इसे भूनेंगे और इसके साथ ही एक डाल देंगे फाइनली चॉप्ड गाजर। इसके साथ ऐड करेंगे यहाँ पर बेबी कॉर्न्स, आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। कैबेज हाफ कप, हाफ कप इसमें पीज ऐड कर दिए हैं और एक फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। अब सारी वेजेस को हम अच्छे से भून लेंगे। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम, बीन्स कुछ भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके साथ ही ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और इन्हें अच्छे से भूनेंगे। अब हमारी वेजिटेबल भून चुकी हैं, इसमें ऐड कर देंगे 4 कप वाटर। फ्रेंड्स, ये सूप बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस है तब भी इसे इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर यहाँ एक बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद हम इसमें 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें हाफ कटोरी पानी ऐड करके उसे एक बैटर बना लेंगे, जिसे हम धीरे धीरे इस सूप में ऐड करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब अच्छे से इसमें जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कम से एक बार 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे सूप को। हमारे सूप में बॉयल आ गया है, अच्छे से 5-7 मिनट के लिए कुक कर लिया। इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सूप रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्दियों में इस सूप को खूब इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी टेस्टी होता है। और सूप जो होते हैं विंटर्स में काफ़ी हेल्दी होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसमें इतनी सारी वेजिटेबल है तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सूप कैसा लगा और मेरे बाकी के वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।